गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th यूनिट 8 एक्सरसाइज 8.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 रहता है। अब 6 में लिखा है फाइंड ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल। हमें एंगल ए और बी निकालना है, तो मैंने लिखा है एबीसी यानी ट्रायंगल। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स हम लिखेंगे। इसके बाद ट्राइंगल्स को बराबर करेंगे। अब वो हम राइट कर रहे हैं, मैं राइट कर लिया ट्राइंगल्स के एंगल ए एम सी और बी एम सी, जो ए ए एम सी बी एम सी, ए बी 90 डिग्री और ए बी 90 डिग्री, दोनों एंगल्स बराबर। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए एम सी किया, तो ए एम ए एम बी एस ओवर ए सी हाइपर, तो क्या था कॉस, वैसे ही कॉस किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो दोनों थे कॉस ए, सॉरी ये बी आ गया, बी एम सी आ गया, तो ये दोनों कॉस बराबर हैं, तो पगली वाले दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने डायग्राम में मिटा ली, तो मुझे सिंपली लिखना है क्या, ए एम ओवर ए सी इक्वल टू बी एम ओवर बी, ये दोनों बराबर कर लिए, तो उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए एम ओवर बी एम ए सी ओवर बी सी, इसी के बाद जो बराबर आ जाएगा वो सी एम ओवर सी एम भी रहेगा, सी एम ओवर सी एम। तो इससे यहीं पे प्रूव हो गया, जो दो हमारे आपस के एंगल्स थे, ट्राइंगल्स थे, वो बराबर हो गए। ट्राइंगल कौन कौन से, ए एम सी सिमिलर टू बी एम सी, तो अब जो ए एम सी है और बी एम सी है वो बराबर, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी वो भी बराबर हो गया। वो हुआ क्यों, बाय ये वाला साइड साइड सिमिलैरिटी के साथ कारण हुआ, और उस पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण हुआ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो रहता है इसका, हमने क्वेश्चन राइट कर लिया कॉट थीटा ओवर कॉट थीटा इक्वल्स टू 7 का है। मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे साइन निकालना है, इधर भी साइन, इधर भी कॉस, इधर भी कॉस, और वैल्यूज पुट कर दूंगा, तो वही दोबारा से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो कॉट क्या होता है, बी ओवर टी, यहां से स्टार्ट किया सॉल्यूशन, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7 ओवर 8 एंड सॉरी दैट इज इक्वल्स टू बी ओवर टी, तो हमारे पास बी 7 रहता है, टी 8, एच स्क्वायर पी स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो ये क्या, तो हम एच निकालना है मुझे, एच छोड़ दिया, पी की वैल्यू 8 का स्क्वायर और बी की वैल्यू 7 का स्क्वायर, तो दैट इज 64, दैट इज 49, सिंपल सी बात है। एच आ गया, तो देखो 139 अंडर रूट लगा दिया साथ में, तो जैसे ही अंडर रूट लगाओगे एच की वैल्यू आ गई, तो अब साइन और कॉस के वैल्यूज भी लिख लेता हूं मैं, साइन थीटा पी ओवर एच, तो पी की वैल्यू कितना आया था, पी की वैल्यू 8 और एच की 130, और कॉस कॉस आ गया, तो कॉस होगा पी ओवर एच, और बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू 8 सॉरी बी की वैल्यू सॉरी 7 आई और इसकी 130, वैल्यू जा चुके हैं, मुझे टेबल में ही डालने हैं, जो गिवन दिया है उसमें डालेंगे, मैंने बस साइन और कॉस के ही वैल्यू छोड़े और सब मिटा दिया, इधर कॉस था, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मुझे वैल्यूज डालने 1 प्लस इसकी वैल्यू डाली 8 ओवर अंडर रूट 13 1 माइनस 8 ओवर 139, ओके, और 1 प्लस
सेवन ओवर 130 आया, 1 माइनस 7 ये राइट कर लिया, बाकी अब बिटा राइट है, तो अब सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए छोड़ा हमने, तो अब क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एलसीएम लेना है दोनों का, तो एलसीएम ले लेते हैं, इधर ले रहा हूं एलसीएम, एलसीएम लिया तो अंडर रूट 113 प्लस 8 आएगा ओवर 113 हो गया 8, और 113 माइनस 8 सिंपल जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से कर रहा हूं मैं, और इधर 113 प्लस 7 113 और 8 सिंपली एलसीएम लिए, तो अब जब ये और ये कट जाएंगे, समझ लो काट लिए हमने, तो आ गया मेरे पास 113 प्लस 8 113 माइनस 8 क्या, और नीचे क्या बचा 113 प्लस 7 अंडर रूट 113 माइनस, तो ये होता क्या है जब भी रेसिप्रोकल्स में अपॉन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में नीचे वाले टर्म्स बराबर हो कट जाते हैं फ्रैक्शन में, तो काटे जैसे इसका रेसिप्रोकल करोगे तो उल्टा आएगा दोबारा से ऐसे होगा, तो ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो सिंपली हो गया 113 स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये भी 7 का स्क्वायर, जैसे ही 7 और 8 का स्क्वायर हुआ तो अंडर रूट से जो स्क्वायर है वो कट जाता है, तो पढ़ लिया सबने, तो अब हम बिल्कुल नियर टू द आंसर है, तो आ गया 113 माइनस 64 113 माइनस 49, ये सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, 64 को किया 0 30 49 आया एंड ये 64 आया, तो आंसर आ गया हमारे पास 49 ओवर 64, फाइनल आंसर क्या आया 49 ओवर 64, तो इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट रहता है इसी का वो पार्ट इजी भी है डिफिकल्ट भी है, इजी इसलिए क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, उसमें लिखा क्या है जो है उसमें लिखा है सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर कॉट का कॉट स्क्वायर थीटा कॉट लिखा है, कॉट को करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक तो कॉट की वैल्यू निकालो फर्स्ट ऑफ ऑल, या साइन और कॉस से करो, तो पहले तो कॉट, अब जो था कॉट, तो कॉट कैसे आया टेन का उल्टा, तो टेंजेंट के लिए हमने दोबारा से पी ओवर पी लिखा, अब जो कॉट की, अब जो हमने बी का आंसर कितना निकाला था 7 और 8 और गिवन था हमारे पास 7 8 ये लिखा, अब मैंने जैसे ही इस पूरे की वैल्यू डाली 7 ओवर 8 49 ओवर 64 ये आंसर कितना आ गया 49 ओवर 64, हमारा क्वेश्चन इसी के साथ खत्म हो गया, थैंक यू।